अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ इस वक्त हाकान हैदर गाजी साहब मौजूद हैं। आपको आपको इलम होगा कि द लेजेंड ऑफ मौलाजट जो कि रिलीज़ हो चुकी है, उसका जो पहला ट्रेलर था और उसके जो ओपनिंग वर्ड्स थे, जो शायरी थी, वो हाकान हैदर गाजी साहब ने लिखी है। पहले उनसे वो शायरी सुनेंगे ताकि आपको मालूम हो कि ये शायरी इन्होंने लिखी है, फिर इनसे मज़ीद बात करते हैं। हाकान साहब, वो शायरी पहले सुनाएं हमें। वो पहली शायरी तो टीज़र की, तो आज फिल्म में भी मैंने देखी, सुनी है, देखी भी है। और जैसे फिर वो शायरी कुछ ऐसे है कि देश पंजाब च चुकिया सी एक सूर में वैर दा पार, जात दा जट ते यार कंडासा उत्तों प्यो सरदार, सौ सौ मील ते डंके जट दे तके जेड़ा पासा, जट तो वध खड़ाक सी करदा जट दा तेज कंडासा, जट दा तेज कंडासा। नहीं नहीं हकान साहब, ये शायरी उन ते पता लग गया तुसी लिखी है। मैं एक चेक करना चाह रहा हूँ वाकई तुसी लिखी कि नहीं। बुझी अगवेज दबिया खबरे किथे टुर गया मौला, रोल शोला बुझिया शोला, पुत्र सी एक जड़दा यारो नाम से जिसदा मौला। अरे क्या बात है, इसका तो मतलब है कि मेन तो शायरी आप ही की है जिस पे पूरी पूरा ट्रेलर खड़ा किया गया। जी, इसका टीजर तो उसी पे रिलीज़ हुआ था और फिर उसके बाद आज फिल्म में भी इस शायरी को मुख्तलिफ जगहों पे, स्टार्ट में भी और इसके इंटरवल पे भी बहुत अच्छे तरीके से आई है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा बिलाल लाशारी साहब। हकान साहब, कितनी फिल्में आप तहरीर कर चुके हैं और आपकी कैरियर में सबसे बड़ी फिल्म कौन सी साबित हुई है? यकीनन यही होगी। यकीनन इस वक्त तो यही है जो जिस पर इतनी हाइप है जिसकी। और सबसे अच्छा मुझे गाना वो लगा जो मैंने लिखा था मायरा और फवाद साहब पे पिक्चराइज हुआ है। अच्छा, वो गाना भी आप ही गए? जी, वो मेरा, वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी। और वो सिचुएशन ये थी कि नासर अदीब साहब ने कहा कि एक ऐसा गाना चाहिए जो मौले पे भी हो, नूरी पे भी हो, मुखो पे भी हो, मुदे पे भी हो, जेलर्स पे भी हो, कैदियों पे भी हो। तो मैंने मजाक से कहा कि नासिर साहब देख लें, कुछ जी रह देंगे। तो सो फिर वो गाना लिखा। बाकी वो सब पे ही है, वो सब पे ही है। तो आज मैंने देखा खुद, वो सब पे है कि चंद पीछे लुकी हुई रात लह जानी है, दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी है। कमाल है। हकान हैदर गाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाजट के जो ओपनिंग ट्रेलर का जो वर्ड्स हैं, जो शायरी है, वो इनकी तहरीर की हुई है और ये वो शायरी है जिस पे पूरी फिल्म जो है वो स्टैंड कर रही है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से मुतल्लिक आप कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।